मशीन बैग में ही मिल जाएगा, और इतना ही नहीं आप लोग उससे कैरेक्टर की स्किल्स भी खरीद सकते हो। तो हाँ, तो मेरे भाई लोग, तो वो भी फ्री फायर इंडिया का एडवांस सर्वर भी आ चुका है, लेकिन अभी तक हमारा फ्री फायर इंडिया नहीं आया। और तो और फ्री फायर इंडिया का क्या सिस्टम होने वाला है कि कब तक आएगा, और हमारे नॉर्मल फ्री फायर में फ्री ये जो अभी 42 अपडेट है वो कब तक आएगा। और इतना ही नहीं, जिन बंदों को जो एक्टिवेशन कोड नहीं मिला है उनके लिए भी एक मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो कैसे हो आप सब लोग, मुझे कमेंट कर बताना। मैं तो अच्छा हूँ यार, आप लोग कमेंट करके बताते रहा करो यार चीज़ें। और कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा सब कुछ, मतलब क्या बताऊँ यार, बहुत दुख हो रहे हैं ज़िंदगी में। मैं क्या है, 8th क्लास में हूँ, तो 8th क्लास की बोर्ड परीक्षा आने वाली, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में जा रहा हूँ मैं। तो लो चलो छोड़ो, अपन शुरू करते हैं अपने यूट्यूब की वीडियो को। तो ना, तो हम जो चीज़ें जो हमारी जो सबसे पहली चीज़ है वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा फ्री फायर इंडिया के मतलब फ्री फायर के अंदर कब आने वाला है अपडेट। तो मैं आपको जो अपडेट आने वाला है वो आने वाला है 1 नवंबर को। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने पुराने वाली वीडियोस में बताया था कि आपको कैसे एडवांस सर्वर का कोड लेना है, तो आप लोगों ने ले लिया होगा। तो एडवांस सर्वर कल आ चुका है 13 तारीख को। तो अब जाओ वेबसाइट खोलो, डाउनलोड करो और ज्वाइन हो जाओ, मतलब खेलना शुरू कर दो। बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मैं ये दूसरी वीडियो है हमारी OB42 अपडेट के ऊपर, तो तक आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल ही चुकी होगी। तो जो हमारा अपडेट आने वाला है फ्री फायर मैक्स के अंदर वो आने वाला है 1 नवंबर को, और जो टाइम होगा वो होगा अराउंड 9:30 PM, मतलब 9:30 सुबह। और कोई मेंटेनेंस ब्रेक वगैरह का कोई सिस्टम है या नहीं है कि आपको ना मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कि भाई आप सीधा प्ले स्टोर पर जाओ, गेम ढूंढो, गेम जाकर वहाँ पर अपडेट वाला आएगा, अपडेट करो और कहानी खत्म, बस जिसमें सिस्टम ख़त्म, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको घंटे भर का मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, बस इतनी सी चीज़ होगी कि जाओ अपडेट करो और खेलना शुरू कर दो, बस इतनी सी बात होगी। तो अपन आगे बढ़ते हैं और अपनी शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारी जो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है कि ये जो होती है ना एक तरह की कास्ट ड्रॉप होती है ना, वो मतलब आपको याद हो तो जो मतलब 2-3 टाइप से खुलती है, मतलब एक अपने को उसको अंदर रहना पड़ता है, मतलब उसका एक सर्कल होता है तो वो बढ़ती रहती है, फिर 3 बार खुलती है वो। तो उसके अंदर ना मतलब वो ऐसे ही खुलती है, तो उसके अंदर ना आपको मिलेगा ये टेलीपोर्ट वाला, और एक कैरेक्टर की स्किल भी मिलेगी। जैसे मेरे को देखो ये इस ड्रॉप के अंदर ना A124 की स्किल मिली, तो वो मैंने मारी, देखो मिल गई ना। और साथ ही साथ एक टेलीपोर्ट वाला सिस्टम भी रहेगा। टेलीपोर्ट वाला सिस्टम कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये जो सामने ये देखो दिख रहा है ना, इसका नाम है होगा टेलीपोर्ट सेक्शन। तो आप लोग जैसे इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, मतलब बहुत सीधा सिंपल प्रोसेस है। देखो मान लो सामने ये जो सामने वाला घर है ना, डबल डोर वाला घर, तो उसके ऊपर ना आपको इसको ऐसे यूज़ करना रहेगा। तो मतलब देखो मान लो सामने वाली बिल्डिंग में कोई बंदा है, रुको पहले एक बंदा डैमेज दे रहा है, मैं उसको ख़त्म कर दूँ फिर बात बताता हूँ, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा, मतलब इतनी नौटंकी वगैरह नहीं करूँगा। ये देखो सामने जो टेलीपोर्ट वो देखो लग गया ना, तो वहाँ पर मैंने उसको लगा दिया। तो यहाँ पर एक सा मेरे सामने एक मिनर सा शो हो गया, तो मैं इसके अंदर से टेलीपोर्ट सकता हूँ। तो मतलब सामने जो बिल्डिंग है मैं उसके ऊपर जा सकता हूँ, तो मतलब जो सामने वाला बंद होगा उसके लिए तो सरप्राइज हो जाएगा कि भाई ये यहाँ पे कैसे आ गया। और यहाँ से मैं नीचे भी जा सकता हूँ, मतलब बहुत अच्छा वाला रहेगा ये चीज़, मतलब मज़ा आ जाएगा, कुछ नया कुछ रियलिस्टिक मिलने वाला है अपने को। तो और इतना ही नहीं, और साथ ही साथ एक चीज़ और है, आपको याद हो तो अभी जो हमारा नया पीक आया है वो पुराना वाले पीक को रिमूव कर दिया गया था। जो नया पीक आया है वो देखो ये इस वाली टूटे हुए घर की छत पर अपन नहीं जा सकते थे, लेकिन अब गरीना वालों ने जो हमारी वेंडिंग मशीन है उसके अंदर एक नई चीज़ ऐड की है, जिसकी वजह से अपन लोग जा सकते हैं उसके ऊपर। कितना मस्त रहेगा नया, ये देखो कि ये देखो सामने ये आपको ना वेंडिंग मशीन में जाना है, वहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसमें आपको मिलेगा जंपिंग शूज़। आपको जंपिंग शूज़ को ख़रीद लेना है, और वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ पे जाके जंप वाला से बटन दबा देना, जिसमें आप चले जाओगे। ऊपर ज़्यादा कुछ तो है नहीं,
पर थोड़ी बहुत जगह है, पर जो बंदे कैंप करते हैं मतलब रैंक पुश करते हैं उनके लिए ना ये एक मस्त जगह है, उनको एक मस्त एंगल मिल जाएगा। और सामने जैसे आप लोग जाके वहाँ पे खड़े हो जाओगे तो वहाँ पे सामने वेंडिंग मशीन से अगर कोई बंदा परचेस कर रहा होगा तो वो भी दिख जाएगा, इधर से सामने से कोई बंदा रश कर रहा होगा तो वो भी दिख जाएगा। तो मतलब मस्त होने वाला है ये जो ट्रिक है, ये अब अच्छी होने वाली है। और अपन अब लोग बात करते हैं अपनी मिनी वेंडिंग मशीन मतलब वेंडिंग पॉकेट मार्केट ही बोल सकते हो, इसका नाम पॉकेट मार्केट है। तो आप लोग जैसे इसको यूज़ करोगे तो इसके अंदर ना सुपर रिवाइवल कार्ड मतलब जितनी आइटम्स में वेंडिंग मशीन्स में मिलते हैं ना उससे ज़्यादा यहाँ मिल जाएंगे कैरेक्टर की स्किल्स, और इससे आप लोग ना ग्लोअल भी कर ही सकते हो। तो मतलब अब इतनी झंझट ही नहीं कि भाई यहाँ से टोकन जमा करो वहाँ जाकर आइटम परचेस करो, सीधा वेंडिंग मशीन ही खरीद लो मस्त रहेगी ना। तो अपन लोग बात करते हैं कि OB42 का एडवांस सर्वर भी आ गया, अब हमारा फ्री फायर क्यों नहीं आया यार अभी तक। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग ना एक लीक तो मिली है कि वो जो लीक है ना वो ये देखो, ये सामने जो दिख रहा है ना फ्री फायर इंडिया अकाउंट रिडक्शन, तो मतलब ये एक तरीके से हमें एक संकेत दे रहा है, मतलब एक तरीके से एक पॉइंट बता रहा है कि फ्री फायर इंडिया जल्दी आने वाला है। और फ्री फायर इंडिया की कन्फर्मेशन डेट आई थी 1 नवंबर, मतलब वो गरीना वालों की तरफ से कन्फर्मेशन नहीं आई थी, इधर इधर से ही आई थी, मतलब अपन लोगों ने बनाई थी उसको, कोई कन्फर्म नहीं आई थी 100%। दोस्तों गरीना वालों की तरफ से इस चीज़ का 100% कन्फर्मेशन नहीं दिया गया है, बस ये लोग ये चीज़ें हमें ना अपने यूट्यूबर की कम्युनिटीज ने बताई है कि 1 नवंबर को आने वाला है, 100% कन्फर्म नहीं है। पर यार आप देखो ना दिवाली कब की है, दिवाली है करीब 10 तारीख को स्टार्ट है दिवाली 10 नवंबर को, और फ्री फायर इंडिया कब आने वाला है 1 नवंबर को, तो बहुत अच्छा होने वाला है। और दुर्गा पूजा कब से, कल से, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दुर्गा पूजा। और फ्री फायर इंडिया को रिलेटेड ना एक चीज़ और मिली थी, क्या थी वो, हाँ फ्री फायर इंडिया की लॉबी पता चल चुकी है। ये देखो ये सामने दिख रही है ना एकदम इंडियन थीम पे ये लॉबी, तो अब कन्फर्मेशन हो चुका है कि फ्री फायर इंडिया जल्दी से जल्दी आने वाला है, और जो इवेंट्स है वगैरह ये सब आने वाले हैं वो भी फ्री फायर इंडिया की थीम पर ही आने वाले हैं। मतलब अच्छा रहेगा, मतलब बहुत मज़ा आएगा, और भी चीज़ें होंगी। मैं अगर देखो आप लोगों ने न्यू एडवांस सर्वर इंस्टॉल कर लिया है तो मैं आपको कमेंट में अपनी आईडी दे दूंगा, मुझे रिक्वेस्ट भेज देना और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, और अगर कुछ मिल गया तो वीडियो भी बन जाएगी और भी फ्रेंड लोगों को पता चल जाएगा, तो मुझे कमेंट करके बता देना। और जब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और यार लाइक और सब्सक्राइब कर दिया अगर मैं बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेरे को आप लोग सपोर्ट क्या करो यार, फैमिली हो आप मेरी तो प्लीज़ यार, तो एक लाइक और सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता यार, कर दिया कर देते। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।